खेती और किसान को सशक्त करने से वहां से लेकर के भारत के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक में एक के बाद एक सुधार किए जा रहे हैं। हाल में जो तीन बड़े कृषि सुधार हुए हैं वो देश के एग्रीकल्चर सेक्टर का विस्तार करने में, किसानों की आय बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, हमारे यहां एपीएमसी की एक व्यवस्था सालों से चल रही है, जिसकी अपनी एक पहचान है, उनकी अपनी एक ताकत भी है। बीते 6 साल में देश की इन कृषि मंडियों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 2500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा चुका है। इन मंडियों में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए भी सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इन मंडियों को इनाम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से भी जोड़ा जा रहा है। एपीएमसी कानून में जो संशोधन किया गया है उनका लक्ष्य इन एपीएमसी को अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने का है। किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम एमएसपी के रूप में मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। साथियों, एमएसपी और सरकारी खरीद देश की फूड सिक्योरिटी का अहम हिस्सा है, इसलिए इसका वैज्ञानिक तरीके से अच्छी व्यवस्था के साथ अच्छा सा अच्छा प्रबंधन भी हो और ये आगे भी जारी रहे, ये बहुत आवश्यक है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। नए विकल्पों से ये जरूर होगा कि देश के जो छोटे किसान मंडियों तक पहुंच ना होने के कारण पहले मजबूरी में बिचौलियों को अपनी उपज बेचने देते थे, अब बाजार स्वयं छोटे छोटे किसानों के दरवाजे तक पहुंचेगा। इससे किसान को ज्यादा दाम तो मिलेंगे ही, बिचौलियों के हटने से किसानों की भी राहत मिलेगी और आम खरीदारों को भी, सामान्य कंज्यूमर को भी लाभ होगा। यही नहीं, जो हमारे युवा हैं वो एग्रो स्टार्टअप्स के रूप में किसानों के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं बनाए, इसके लिए भी नए रास्ते खुलेंगे। साथियों, छोटे किसानों को ताकत देने के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यानी एफपीओज का एक बड़ा नेटवर्क देश भर में तैयार किया जा रहा है। देश में 10,000 ऐसे कृषि उत्पादक संघ बनाने का काम तेजी से चल रहा है। छोटे किसानों की ओर से संगठन भी मार्केट के साथ मोलभाव कर सकेंगे। मैं एपीओस छोटे किसानों का जीवन वैसे ही बदलने वाले हैं जैसे दूध या फिर चीनी के क्षेत्र में कोऑपरेटिव मूवमेंट से गांवों में महिलाओं के सेल्फ हेल्प मूवमेंट से सार्थक बदलाव आए हैं। साथियों, भारत में अनाज की बर्बादी हमेशा से बहुत बड़ी समस्या रही है। अब जब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में संशोधन किया गया है, इससे स्थितियां अवश्य बदलेगी। अब गांवों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सरकार के साथ साथ दूसरों को भी ज्यादा मौका मिलेगा। इसमें भी हमारे एफपीओज की भूमिका अहम रहने वाली है। सरकार ने हाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का
इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है। इस फंड से एफपीओस भी गांवों में सप्लाई चेन और वैल्यू एडिशन कैपेसिटी तैयार कर रहे हैं। साथियों, जो तीसरा कानून बनाया गया है वो किसान को फसलों के दाम में होने वाले उतार चढ़ाव से भी राहत देगा और खेती में नई टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा देगा। इसके तहत किसान को ज्यादा विकल्प देने के साथ ही उसे कानूनी रूप से संरक्षण देने का भी काम किया गया है। जब किसान किसी प्राइवेट एजेंसी या उद्योग से समझौता करेगा तो बुवाई से पहले ही उपज की कीमत भी तय हो जाएगी। इसके लिए बीज, फर्टिलाइजर, मशीनरी सब कुछ समझौता करने वाली संस्था ही देगी। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर किसान किसी कारण से समझौता तोड़ना चाहता है तो उसको कोई जुर्माना नहीं देना होगा। लेकिन अगर किसान से समझौता करने वाली संस्था समझौता तोड़ती है तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि समझौता सिर्फ उपज पर होगा, किसान की जमीन पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। यानी किसान को हर प्रकार की सुरक्षा इन सुधारों के माध्यम से सुनिश्चित की गई है। जब भारत का किसान सशक्त होगा, उसकी आय बढ़ेगी तो कुपोषण के खिलाफ अभियान को भी उतना ही बल मिलेगा। मुझे विश्वास है कि भारत और एफएओ इसके बीच बढ़ता तालमेल इस अभियान को और गति देगा।